हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल तथा गति के नियम। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, पहली चीज जो बेसिक हमें समझनी है वो है बल या फोर्स। तो फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, या किसी चीज़ को हम धक्का देते हैं या फिर किसी चीज़ को खींचते हैं, यानी पुश और पुल। ये पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव बल कहलाता है। इससे क्या होता है, उसके जो पोजिशन है उसमें चेंज होता है बच्चों, ठीक है बेसिकली। फिर बात आती है कि मोशन बिगेन कैसे होता है, यानी हाउ मोशन बिगेन्स, गति कैसे शुरू होती है। तो गति भी कैसे शुरू होती है बच्चों, आपको किसी चीज़ को धक्का देने से या फिर किसी चीज़ के खींचने से शुरू होती है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, इसने पैर मार करके प्लेयर ने क्या किया, बॉल को धक्का दिया तो मोशन करने लग गया। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है बच्चों, ठीक है। फिर बात आती है कि स्टॉप कैसे होता है। तो गति को स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो चीज़ गति में है उसे रोकना पड़ता है। सीधी भाषा में अगर हम किसी गाड़ी को चला रहे हैं तो हम ब्रेक लगा करके रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई मैच खेल रहे हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें से अपने हाथों से रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोशन का होना भी हमें पता चल रहा है फोर्स की वजह से है, और मोशन का रुकना भी किसी ना किसी वजह से ही हमें पता चल रहा है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस की, यानी संतुलित एवं असंतुलित बल की। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों संतुलित बल की, यानी बैलेंस फोर्स की। तो बच्चों, व्हेन टू इक्वल फोर्सेस इन ए मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट थ्रू पुश और पुल फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, सच फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा से धक्का या खिंचाव के माध्यम से समान परिमाण में दो बल लगाए जाते हैं, वस्तु का परिमाण बल शून्य होता है, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब ऐसे बल से हुआ क्या, अभी हमने पढ़ा कि जब कोई बल लगता है तो पुश या पुल होता है, लेकिन जब संतुलित बल लगता है तो बच्चों इट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी वह विराम या गति की अवस्था को नहीं बदल सकता है। यानी किसी वस्तु पर दोनों साइड से बल लगा तो ये F1 और F2 यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, जिस वजह से संतुलित बल हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए फिर बात कर लेते हैं बच्चों असंतुलित बल की, यानी अनबैलेंस फोर्स की। तो वेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑफ बोथ पर्सन इज गेटिंग अनबैलेंस बाय अप्लाइंग फोर्स either in the same direction or one of them applies more force than the other, such force is known as unbalanced force। यानी जब दोनों व्यक्तियों द्वारा लगाया गया बल या तो एक ही दिशा में लगाया गया बल हो, या फिर दोनों का बल एक दूसरे से तुलना में एक का अधिक और एक का कम हो जाए, तो ऐसे बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। और ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी ये विराम की गति और अवस्थिति को क्या करेगा, बदलेगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया, एक ज़्यादा हो गया एक कम हो गया, जैसे कि दिखाई दे रहा है बच्चों में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात आती है फ्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फोर्स, यानी बल से संबंधित कुछ अवधारणाएं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं बच्चों वो समझ ली हमें। पहली चीज़ क्या कहता है, फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन, यानी फोर्स कभी भी अकेले कार्य नहीं करती। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, दिस पेयर ऑफ फोर्स एक्ट अपोजिट डायरेक्शन व्हेन एवर वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर देयर इज ए मोशन। यानी बल क्या है, कभी अकेले काम नहीं करती, जोड़े में कार्य करती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में काम करती है, और अगर किसी स्थिति में एक जोड़ा का बल दूसरे से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में गति हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है बच्चों में, कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में काम करता है बच्चों। फिर है टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी अनबैलेंस इट्स फ्रिक्शनल फोर्स, यानी किसी वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए लगाया गया बल को उसके घर्षण बल के द्वारा को असंतुलित करना होगा बच्चों, यानी किसी वस्तु को चलाने के लिए उसके घर्षण बल को असंतुलित करना होगा। फिर क्या कहता है बच्चों, टू एक्सीलेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, किसी वस्तु की तेज गति को करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है बच्चों। फिर तीसरी चीज़ क्या कहता है बच्चों, एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति में लाता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक बात हुई हमारी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।